सब्सक्राइब करें के आज फिल्म भोजपुरी चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे लेटेस्ट भोजपुरी गाने सबसे पहले। तो कैसे हैं आप सभी, मैं उदीपक राज आर्य, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्यार फिल्म्स भोजपुरी में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आपका यूट्यूब पे ऑफिशियल या पर्सनल अकाउंट है तो आप यह वीडियो इन तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूट्यूब के इम्पोर्टेंट बेसिक्स और एडवांस सेटिंग्स के बारे में, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। यूट्यूब पे अपना चैनल का नेम बहुत बार ऐसा होता है कि सर्च करने पर हमारा चैनल शो नहीं हो पाता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं अगर आप दिन भर में 10 वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो आपको बार बार डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह आपको डालना पड़ता है, जिससे आपके बहुमूल समय की काफ़ी बर्बादी होती है। तो इसे एक बार में ही क्यों ना सेटिंग्स कर लें, क्योंकि बार बार ऐसी समस्या से हमें फेस न करना पड़े। इसलिए दोस्तों फाइनली शुरू करते हैं और इन्हीं टॉपिक्स के साथ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने सिस्टम में आ चुका हूँ, और सबसे पहले मैं आपको YouTube के कस्टम URL के बारे में, उसके सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो आपको अगर नहीं पता कि कस्टम URL आखिर होता क्या है, तो मैं आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो चलिए मैं सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल ओपन हो चुका है और मैं माय चैनल में जाता हूँ। देखिए माय चैनल में जाने के बाद में मेरा चैनल का जो आपको जो भी लिंक जो अपने चैनल का या फिर जो भी अकाउंट है वहाँ से अगर आपको लिंक अगर आपको निकालना हो तो आप उसके होम पेज में जाते हैं। तो उसी तरह मैं भी यूट्यूब के होम पेज में आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा जो है यहाँ पर ये मेरा URL, यही मेरा चैनल का URL। अगर मुझे शेयर करना हो तो मैं यही लिंक को शेयर करूँगा, जहाँ पे भी अगर सब्सक्राइबर के लिए या फिर जो भी अगर मुझे शेयर करना हो तो ये मेरा एक लिंक हुआ। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे youtube.com/channel/CUCJY क्या क्या लिखा हुआ है, अभी मुझे नहीं पता क्या है। अगर मुझे कहीं पे कुछ लिंक शेयर करना हुआ तो मैं यहाँ से अपना चैनल में जाऊँगा, चैनल को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद मैं उसका होम पेज में जाकर तब वहाँ से लिंक निकाल कर शेयर करूँगा। ये हुआ, आप इसे समझ लिए। और मैं बताता हूँ, इसको मैंने सेटिंग्स करके रखा हुआ है, और ये जो कस्टम URL जो है ये मैंने चेंज कर किया हुआ है। आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपली ब्राउज़र में आ चुका हूँ और जहाँ पे कुछ नहीं ओपन है, और मैं यहाँ पे जो चेंज किया हुआ वो मैं यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ। https://, ठीक है, www.youtube.com/c/, और मेरा जो चैनल का नाम है KR फिल्म्स भोजपुरी। तो मैं जैसे ही इंटर मारूंगा तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मेरा चैनल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी नेटवर्क शुरू है मेरा। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने न्यू टैब में जैसे ही मैंने अपना ये डाला, ये चैनल मेरा ओपन हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जो मैंने है ये मैंने चेंज किया हुआ है, और ये मेरा कस्टम URL है और मैंने इसे चेंज किया हुआ है। तो मैं यही बताऊंगा कि ये किस तरह से चेंज करते हैं। तो चलिए एक बार बता दूं आपको, आप अपना भी चैनल बुक कर सकते हैं। आप अपना चैनल को लॉगिन करने के बाद में आप सिंपली आप अपने माई चैनल पेज पर जाएँ, और माई चैनल पेज पर जाने के बाद में यहाँ पर जो आप जो URL जो देख रहे हैं यहाँ से आप इसे जो यहाँ तक चैनल तक है इसे आप हटा दें। इसे हटाने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे https://www.youtube.com /, और /, के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली पुट करना है अकाउंट एडवांस AOOUNT अकाउंट, और अकाउंट के बाद में यहाँ पे आपको सिर्फ के साथ जो माइनस का बटन है उसे प्रेस करना है, इसे बोलते हैं अंडरस्कोर, और उसके बाद में अकाउंट के बाद एडवांस डालेंगे ADVANCED, और फिर इंटर प्रेस करेंगे। और जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये ओपन हो गया हुआ है। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे कस्टम URL जो मैंने पहले से चेंज कर रखा हुआ है, और आपको यहाँ पे ये शो नहीं होगा, यहाँ पे लर्न मोर यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिया होगा,
तो वहाँ पे आप जाकर आप वहाँ से चेंज आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा पहला जो सेटिंग्स है कस्टम URL के बारे में, तो ये आपको कंफर्म हो गया है कि ये किस तरह से करना है। उसके अब दूसरा आते हैं, तो दूसरा सिंपली मैं पहले चला जाता हूँ माई चैनल में, और इसके बाद में मैं दूसरा सेटिंग्स बताऊँगा चैनल कीवर्ड्स के बारे में। बहुत बड़ा ऐसा होता है कि जैसे कि मैं इस यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई दूसरा चैनल खुला हुआ है और यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम सर्च करता हूँ। तो करने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे आप सर्च किया, यहाँ पे आप देखिए कि Oriflame जो है सबसे ऊपर शो हो रहा है। देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर जो आ रहा है वही मेरा चैनल है, एक ही बार में आ गया है। और लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि आप लोग अपने चैनल का नेम सर्च करते हैं बट वो मतलब कि शो नहीं होता, तो इसका प्रॉब्लम कहाँ से है तो इसी का सोल्यूशन मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने चैनल में जाइए और उसके बाद में इस चैनल पे जो आपका जो लोगो आइकन जो है वहाँ पे क्लिक करने के बाद में क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाने के बाद में उसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद में आपको सिंपली जाना है चैनल में, और चैनल में जाने के बाद में सबसे नीचे जो एडवांस का जो सेटिंग है यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है सेटिंग्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंट्री है, इंडिया सिलेक्टेड होगा आपके भी डिफॉल्ट से, और यहाँ पे चैनल कीवर्ड जो है यहाँ पे आपको पुट करना है, जैसे कि जो भी चैनल है, जिसमें मेरा चैनल है KR FILMS, और इसके बाद फिर कोमा देंगे, फिर KR FILMS भोजपुरी, फिर जो भी आप मतलब देना हो वो लेटेस्ट कोमा भोजपुरी, ठीक है, लेटेस्ट भोजपुरी सॉन्ग कोमा म्यूजिक, मतलब जिस रिलेटेड से आपका चैनल हो वो आप यहाँ पे चैनल कीवर्ड आप डाल दें और अपना चैनल का नेम डाल दें, कि जो कि सर्च करने पर आपका जो चैनल है वो आपका मतलब एक ही क्लिक में एक ही बार में आ जाए। तो ये रहा मेरा दूसरा सेटिंग, और उसके बाद में तीसरा सेटिंग्स के बारे में ये बात करने वाला हूँ कि जो तीसरा सेटिंग्स है कि जैसे कि मैंने बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई भी वीडियो अगर आप 10 वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपको 10 बार आपको मतलब कि जो चैनल का मतलब टैग वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह बार बार डालना पड़ता है, तो मैं उसका सेटिंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो फिर उसी मतलब कि क्रिएटर ऑप्शन में ही जो आप जो आए हुए थे यहाँ पे जो क्रिएटर स्टूडियो में वहीं पर रहना है आपको, और उसका मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे चैनल में नीचे में यहाँ पे दिया होगा अपलोड डिफॉल्ट्स, तो इसे सिंपली ओपन करेंगे हम। और इसे ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग्स हैं, तो सबसे पहले जो है मैं बताता चलूँ कि ये आखिर कौन कौन चीज़ है। तो ये यहाँ पे जो सबसे पहला जो है वो प्राइवेसी है, तो ये अगर डिफॉल्ट अगर आप पब्लिक सेलेक्ट करके रखते हैं तो जो भी आप वीडियो या जो भी आप फ्यूचर में अपलोड करोगे तो वो पब्लिक ही रहेगा डिफ़ॉल्ट से। और दूसरा कैटेगरी, अगर आप म्यूजिक अगर डाले हुए हो तो म्यूजिक चैनल हो तो आप म्यूजिक ही तो डालोगे, अगर मतलब कि कोई भी फ्यूचर में अगर कोई अगर कॉमेडी वीडियो डाल रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट से म्यूजिक ही रहेगा। और देखिए यहाँ पे ये तीसरा जो ऑप्शन है लाइसेंस, ये बहुत ही मतलब समझने वाली बात है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन है। तो इस दो ऑप्शन में क्या है, जो पहला जो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, अगर ये आपका सिलेक्टेड हो और इस अगर लाइसेंस का आप अगर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपका वीडियो को दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है, उसको ये मतलब कि जो यूट्यूब जो कम्युनिटी गाइडलाइन के जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ है, तो इस वजह से वो ये अगर सिलेक्टेड हो तो आपका वीडियो कोई भी यूज नहीं कर सकता है। अगर आप इसे सिलेक्ट कर रहे हो क्रिएटिव कॉमन, तो आपका वीडियो कोई भी डाउनलोड करके अपने चैनल पर डायरेक्ट अपलोड कर सकता है, उसे यूज कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है वो परमिशंस दे रखे हुए हैं। तो ये मेरा लाइसेंस का हुआ। और मैं भी एक बात आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो भी वीडियो आता है, जो भी चैनल पर होता है, वो मेरा क्रिएटिव कॉमन्स होता है, मतलब कि आप अगर चाहो तो मेरे चैनल से वीडियो डाउनलोड करके डायरेक्ट आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो, वो वीडियो कॉपीराइट नहीं होगी और न ही आपका चैनल पे स्ट्राइक आएगा, बल्कि आप उससे पैसे भी कमा सकते हो, आप मतलब कि जो चाह वो आप अपने यूज में ले सकते हो, मेरा जितना भी वीडियो है वो सभी आपके काम आ सकता है। तो ये रहा तीसरा। और चौथा जो है टाइटल, तो टाइटल तो हर एक वीडियो का जो है अपने हिसाब से चेंज होता रहता है,
तो बट वही है कि लास्ट में जो है वो कीवर्ड्स कुछ सेम डालना है, तो मेरा हर एक जो भी टाइटल्स आते हैं तो उसमें लास्ट में केआर प्लस भोजपुरी रहता है अवेलेबल, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में डाल रखा हुआ है। मुझे सिर्फ इसके जो आगे का जो है भाग सिर्फ मुझे वही डालना पड़ता है, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन मैंने डाल रखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे मतलब कि देख ही रहे होंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन हर एक वीडियो में मिल जाएगा, और मैंने हर एक चैनल का लिंक और फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मैं क्या क्या करता हूँ ये सभी की जानकारी दे रखा हुआ है, और इसमें डिक्लाइमर भी कुछ दे रखा हुआ है, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आप इस वीडियो में भी आप भी देख सकते हैं, यही डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये मुझे बार बार जानना नहीं पड़ता है, कुछ ही चेंजिंग होता है तो वो मैं कर लेता हूँ अलग से। तो ये रहा मेरा पाँचवा सेटिंग, और उसके बाद में यहाँ पर टैग्स है, यहाँ पे जो आप टैग जो देख रहे हैं ये मैंने डाल रखा हुआ है कुछ, और कुछ सॉन्ग के हिसाब से बाद में डाल देता हूँ। तो ये सब मेरा ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड है, और इसके बाद में इसे आप सिंपली आप कुछ नहीं करने से बाद में सेव कर देना। तो दोस्तों आई होप आज का ये ट्यूटोरियल आप लोग के लिए इंटरेस्टेड रहा हो, बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को आज सीखने को मिला हो, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी सेटिंग्स हैं जो कि मैं ये हो सकता पार्ट टू में बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और लंबी वीडियो बनाने का मतलब है कि आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो आप लोग अपने आप अगर यूट्यूबर हैं तो आप लोग प्लीज़ अगर ये सब सेटिंग नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को प्रॉफिट है और आपका समय भी बचत होगा। और चलिए फाइनली आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और भी मैं इसी तरह के और भी वीडियो रोजाना डालता रहता हूँ शाम 4 बजे। तो प्लीज़ आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।